हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा है। उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है, रविवार को इसकी जानकारी दी। सिद्धू ने बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा 10 जून को ही दे दिया था, लेकिन इसका खुलासा आज किया है। सिद्धू ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा कि वो अपना इस्तीफा पंजाब के मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अरसे से खटपट की खबरें थीं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटें ना मिलने का ठीकरा अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर फोड़ा था और केंद्रीय आलाकमान से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। तीनों राजनीतिक पार्टियों के विधायकों ने सोमवार तक अपने अपने होटलों में ही रुकने का फैसला किया है और वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। वहीं मुंबई में ठहरे बागी विधायकों चार्टर्ड फ्लाइट से शिरडी चले गए, जहां उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए। बीसी पटेल ने कहा, हम यहां दर्शन के लिए आए हैं और जल्द ही नई सरकार का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक विधानसभा का मामला मंगलवार को सुना जाएगा। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के 5 और बागी विधायकों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आज अहम बैठक हो रही है। इसमें कॉरिडोर पर जारी गतिरोध दूर करने की रणनीति बनेगी। खालिस्तान समर्थकों की बैठक में मौजूदगी को लेकर भी चर्चा होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने बैठक से ठीक पहले जो चाल चली है वो सबके सामने आ गया है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के साथ आज दूसरे दौर की बातचीत वाघा बॉर्डर पर सुबह 9:30 बजे होगी। दोनों देशों के बीच करतारपुर तीर्थ यात्रा के रूपरेखा पर चर्चा होगी। शुल्क, हाईटेक, सर्वेलांस, अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर आजम की गिरफ्तारी किसी बयान के लिए नहीं, बल्कि जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में हो सकती है। आरोप है कि आजम खान ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने करीबी पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन खान के सहयोग से मौलाना अली जोहर विश्वविद्यालय के लिए कई 100 करोड़ रुपए की कीमत की जमीनें हड़प ली। इस संबंध में रामपुर के अजीम नगर थाने में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर के मुताबिक आजम पर जबरन जमीन कब्जाने के लिए 2 दर्जन से अधिक किसानों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखवाने और प्रताड़ित करने का आरोप है। इधर सिरसा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक तंवर ने बताया कि कांग्रेस विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा की कमियों पर भी मंथन किया जा रहा है, ये तंवर ने कहा और आगे कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। इस दौरान तंवर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बहुमत देने के बाद भी किसानों को लाभ नहीं मिला, साथ ही प्रदेश सरकार ने रोजगार बढ़ाने में नाकामी दिखाई है। तंवर ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी। इस दौरान चंडीगढ़ को लेकर करण दलाल के बयान पर अशोक तंवर बोले कि ये उनकी निजी राय है, चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी बराबर का हक है और बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो वो नशे को समाप्त करने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। कलागांव से जहां इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया।
इस दौरान इनेलो से विधायकों के इस्तीफे पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब से हमारी पार्टी से स्वार्थी लोग बाहर गए हैं तब से पार्टी का भला होने शुरू हो गया है। अभय चौटाला ने कहा कि पार्टी से लोगों के बाहर जाने से पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि देश के लोग राहुल गांधी को वोट देना नहीं चाहते थे, इसलिए बीजेपी को वोट दिया। मजबूरीवश लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनावों में नतीजे इससे अलग होंगे। देश की जनता ने मजबूरी में बीजेपी को वोट दिया, इसका जिक्र करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जनता बीजेपी की जनविरोधी नीतियों का बदला लेकर इनेलो की सरकार बनाएगी। एक तरफ जहां विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खामियों को जनता के आगे रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में कांग्रेस मनेठी में एम्स और मीरपुर गांव स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में सीटों की कटौती बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सीट कटौती पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीट कटौती को युवा विरोधी और शिक्षा विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय सीट कटौती को लेकर पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहले ही कुलाधिपति को ज्ञापन सौंप चुके हैं। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री रविंद्र जीत ने पन्ना प्रमुखों की बैठक ली, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के मुद्दे पर बात की। रविंद्र जीत ने कहा कि बीजेपी लोकसभा की तरह विधानसभा में भी अपना परचम लहराएगी और हम 75 प्लस लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। वहीं उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा चुनावों के समय वोट के लिए एसवाईएल का मुद्दा उठाता है, लेकिन बीजेपी ने पहली बार ही सरकार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिलाने की अर्जी लगाई थी और जिस पर हरियाणा के हक में फैसला आया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हरियाणा को जल्द एसवाईएल का पानी मिलेगा। में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इस दौरान सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए हजारों लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और कलाकारों ने अपनी कला से समा बांधा। बता दें कि कार्यक्रम हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। झज्जर में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों बड़ों सहित सभी ने शिरकत की और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। बता दें कि स्कूली बच्चों ने खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर जलवा बिखेरा और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं झज्जर की एसडीएम शिखा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पुलिस के साथ कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगाए। वहीं इस दौरान रस्साकस्सी, बैडमिंटन, साइकिलिंग सहित कई तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया। सावन के महीने में महादेव के जलाभिषेक के लिए कांवड़ लाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। इनकी सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस ने भी कमर कस ली है। हरियाणा पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इन सबकी जानकारी हरियाणा डीजीपी मनोज यादव ने दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के आने जाने की व्यवस्था स्मूथ करने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस अपराधियों को बचकर कहीं नहीं जाने देगी। इसी के साथ उन्होंने कांवड़ियों से भी अनुशासन में रहकर भक्तिभाव से कांवड़ लाने की अपील की। सोना अपराध शाखा पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लिए गए एक शातिर चोर के पास से 3 चोरी की बाइक बरामद की है। इन सभी चोरी की बाइकों पर शातिर चोर ने भिवाड़ी और गुरुग्राम से चोरी किया था। बता दें कि तीनों मोटरसाइकिल अपराध शाखा ने आरोपी चोर के घर से बरामद किया। साथ ही आरोपी ने पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातों को कबूला। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी चोर पहले भी कई चोरी के मामले कर चुका है, उस पर कई मामले दर्ज हैं। अंबाला शहर अनाज मंडी की बोरियों और बारदाने में अचानक आग लग गई। आग लगने से करोड़ों के बारदाने का भारी नुकसान हो गया। साथ ही शेड के नीचे रखा मक्का और हैफेड का एक ट्रक भी जलकर राख हो गया।
शॉर्ट सर्किट की वजह बताया जा रहा है इस आग लगने के पीछे की शॉर्ट सर्किट आग का कारण रहा। आग पर काबू पाने के लिए 3 जिलों से दमकल की गाड़ियां मंगवाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रदेश की कोऑपरेटिव समितियों को पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन करने में सरकार का लक्ष्य है कि कोऑपरेटिव समितियों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ये बात आज राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कही। राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर आज सिरसा पहुंचे और सिरसा के लोक निर्माण विश्राम गृह में मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत के बाद मनीष ग्रोवर ने सिरसा के गांव कवरपुरा में ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मंत्री विपुल गोयल ने इनेलो कागड़ कहे जाने वाले मंडी डबवाले के कई गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी की नीतियों पर आस्था जताते हुए करीब आधा दर्जन सरपंचों ने बीजेपी का दामन थामा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि विरोधी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता इन कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही विपुल गोयल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता प्रदेश के विकास कार्यों को ध्यान में रखकर बीजेपी को समर्थन देगी। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय 2 मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी हो रही है। दरअसल मनेठी गांव में एम्स के निर्माण को लेकर फिर अहरवाल की राजनीति गरमाई हुई है, तो दूसरी ओर मीरपुर गांव स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में सीटों की कटौती बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव मीरपुर कॉलेज पहुंचकर कुलाधिपति को ज्ञापन सौंपा और इसी कड़ी में अजय सिंह यादव सीटों की कटौती का विरोध करते हैं। साथ ही पूर्व सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में सीटों को हटाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आईजीयू में लगभग 1/3 सीटें घटाने का सरकार का फैसला युवा विरोधी शिक्षा विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। पानीपत में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकील के पिता का हथियारों की नोक पर 5 बदमाशों ने अपहरण किया। वहीं बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती के बाद छोड़ा। शराब के ठेके के पास जमींदार की कार के आगे बदमाशों ने अपनी कार लगाकर वकील के पिता का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अगले 5 साल में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक ले जाना है। साल 2018 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में सबसे पहले साल 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही थी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही बात दोहराई, लेकिन अगले 5 साल में भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोई रुकावट दिखाई नहीं देती। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, भारत इससे तेज भी विकास कर सकता है। खबरों के मुताबिक जो रफ्तार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए चाहिए, भारत उससे तेजी से विकास कर रहा है। नोटबंदी जैसे झटके के बावजूद विकास के हर पैमाने पर भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन का टारगेट हासिल कर लेगा, बशर्ते रुपया डॉलर की दर से लगभग 70 रुपए हो। लेकिन 2024 तक भारत हर विकास पैमाने पर $5 ट्रिलियन से थोड़ा दूर रह सकता है। देश में मई महीने के दौरान औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार सुस्त रही। सरकार द्वारा आज जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर अप्रैल में 4.32% दर्ज की गई थी, जो कि मई में घटकर 3.1% रह गई। वहीं देश में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार इस साल मई में पिछले साल के मुकाबले भी सुस्त रही। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कई महीने में औद्योगिक उत्पादन में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि 2019 के अप्रैल और मई महीने के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर 3.7% रही। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारत के पेशेवर मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने रिंग में शानदार वापसी कर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। नेवार्क में
8 राउंड की सुपर मिडलवेट कॉन्टेस्ट में विजेंदर ने माइक स्नाइडर को नॉकआउट किया। विजेंदर को अब तक पेशेवर मुक्केबाजी में कोई हरा नहीं सका है। विजेंदर ने अपने प्रो बॉक्सिंग करियर में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है, जिसमें 8 मुकाबलों में उन्होंने नॉकआउट से जीत हासिल की है। विजेंदर ने कहा कि वो अपने मुक्केबाजी करियर पर और ध्यान देना चाहते हैं और उसे बेहतर करना चाहते हैं और वो अपने आप को व्यस्त रखकर विश्व खिताब के लिए तैयारी करेंगे। हालिप ने विंबलडन के फाइनल में सेरेना को 6-2 से हराते हुए अपना पहला विंबलडन और कुल दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। मैच के बाद हालिप ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी मां चाहती थी कि मैं विंबलडन जीत कर दिखाऊं और आज मेरी मां का सपना पूरा हो गया। हालिप ने कहा कि विंबलडन जीतना मेरे लिए आसान नहीं था लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। हालिप के पूरे संबोधन के दौरान उनके माता और पिता दोनों काफी भावुक नजर आए। हालिप इससे पहले फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं। हालिप ने कहा कि क्ले कोर्ट पर सफलता हासिल करने के बाद ग्रास कोर्ट पर खिताब जीतना उनके लिए आसान नहीं था। फिलहाल यहीं रुकना होगा, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।